हाय एवरीवन, मैं हूँ अनीमा। माय वेंजेंस बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बाजार की मिलावट से बचना है तो घर में ही मजेदार नारियल के लड्डू बनाइए। दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, जब भी आप इसको बनाना चाहते हैं बनाइए। सिर्फ 10 मिनट में बन के तैयार होने वाला ये मिठाई है। एक बार इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है। तो मेजरमेंट के लिए कोई भी बर्तन ले सकते हैं, जैसे कोई अगर इस तरीके की कटोरी हो वो ले सकते हैं, या जो मैंने कप लिया है मेजरमेंट के लिए वो ले सकते हैं। और यहाँ सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच घी लिया है। घी को मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ मेल्ट करना है। अगर घी गर्म ज़्यादा हो जाता है तो आप गैस के फ्लेम को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। और जिस कप से भी आपको मेजरमेंट करना है, उस कप से यहाँ पे 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट आपको लेना है, जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिले तो अब जो पानी वाला नारियल होता है उसको ग्रेट कर लीजिए और उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो उसमें जो पानी है वो सूख जाएगा और फिर इस तरीके से आपका डेसिकेटेड कोकोनट वो तैयार हो जाएगा। तो बस इसको हमें 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे एकदम ध्यान से भून लेना है, ताकि ये बिल्कुल जले नहीं और ना ही इसका कलर चेंज हो। इसको बिल्कुल वाइट ही रखना है। लो फ्लेम पे अगर आप इसको रोस्ट करते हैं तो ये वाइट ही रहेगा और रोस्ट भी हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें रोस्ट कर लेना है। अब मेजरमेंट की बात आती है। मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे जिस कप से मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया था, सेम उसी कप से मैं इसका हाफ, यानी कि 2 कप आपने नारियल का बुरादा लिया है तो 1 कप इसमें आपको दूध ऐड करना है। तो ये 1 कप दूध मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को अभी भी आपको लो पर रखना है। 1 से 2 मिनट में ही ये जो इसमें हमने मिल्क ऐड किया है वो ड्राई हो जाएगा और वो सारा नारियल जो है उस मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेगा। और मिल्क अच्छे से एब्जॉर्ब होने तक इसको स्टर करते रहिए, और 2 से 3 मिनट ही लगता है ये नारियल जो है, नारियल का बुरादा वो सारा मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि हल्का सा ड्राई होने लग जाए, अब आप देख सकते हैं जैसे ये दिख रहा है वीडियो में, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ही हो जाए, तो इस टाइम में आप क्या करिए कि मिल्क पाउडर मैंने ऐड किया है। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालते हैं तो ये टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि आपने मावा डाला है, खोया डाला है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है, और इसको आप चाहें तो मिल्क के साथ मिक्स करके भी ऐड कर सकते थे। बाद में मैंने अभी ऐड किया है और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। तो इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो मिल्क है वो क्या हो जाएगा कि उसका लम्स बन जाएगा। तो उसको नारियल के साथ ही मिक्स करते जाइए, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और ये भुन चुका है तो अब बारी है इसमें शुगर ऐड करने के लिए। तो चीनी भी हमें उतना ही डालना है, जैसे कि नारियल अगर 2 कप लिया है तो 1 कप हमें चीनी डालना है। बट मैं थोड़ा कम मीठे साइड पे पसंद करती हूँ, तो थोड़ा सा मैंने चीनी कम डाला है। तो आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद नारियल को बहुत अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कम भूनते हैं या सोचते हैं कि ज़्यादा भूनने से नारियल ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कम भूनते हैं तो नारियल का लड्डू जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको इसके बाद आपको अच्छे से भूनना है। लगभग 4 से 5 मिनट लग जाता है, और जैसे ही आप इसमें शुगर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे शुगर मेल्ट होगा और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाएगा। तो इसको अच्छे से ड्राई होने तक भूनना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैंने भूना है। आप चाहें तो यहाँ पे गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रख सकते हैं, और इसको अच्छे से ड्राई होने तक भूनिए। ध्यान रहे जलना नहीं चाहिए, लेकिन ये ड्राई हो जाना चाहिए, क्योंकि गीला रहेगा तो लड्डू अच्छे से नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं ये ड्राई होने लग गया है, और इस स्टेज पे अब ड्राई हो चुका है। तो क्या करना है कि गैस के फ्लेम को आपको बंद कर देना है, और गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो, लेकिन इतना कि आप लड्डू ईजिली बना सकें उतना आप ठंडे होने के लिए इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए ये ठंडा हो चुका है, बहुत एकदम से ठंडा भी नहीं हुआ है, लेकिन इतना हो चुका है कि मैं इसका लड्डू ईजिली बना सकती हूँ। तो बस चलिए इसका अब लड्डू बनाते हैं। इसके लिए क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप अपने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लीजिए, थोड़ा सा घी लगा लीजिए।
और इसके बाद लड्डू बनाते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे एक स्पून ले ले रही हूँ और उसके हेल्प से बनाऊंगी, तो लड्डू का जो साइज है वो बिल्कुल परफेक्ट एक जैसा बनेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं या रफली भी आप बना सकते हैं, कोई बड़ा छोटा जैसे भी आप चाहें वैसे बना सकते हैं। तो इसको बस इस तरीके से गोल करते जाइए और बनाते जाइए, बस ऐसे ही हथेलियों पर रख के इसको गोल कर लीजिए और इस तरीके से राउंड सा करके और किसी प्लेट में इसको आपको रख लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे प्लेट में रख लिया है। एक और प्रॉब्लम आती है कई बार, जैसे आप नारियल के लड्डू को या फिर मोतीचूर हो, कोई भी लड्डू को जैसे आप प्लेट में रखते हैं तो जिस साइड से रखते हैं वो साइड थोड़ा चपटा हो जाता है। तो इससे बचने का दो तरीका है मेरे पास, तो एक एक करके मैं दोनों बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए एक लड्डू में एडजस्ट ऐसे ही रफली मैंने बना लिया इसको, और इसके बाद एक जुगाड़ लगाने वाली बात है तो वो मैंने लगाया है। ये जो नारियल है इसको बाद में मैं यूज़ करूँगी, वो करके मैं आपको दिखाऊँगी। ऊपर से इसका हम लगाएंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास जो यहाँ है अप्पम मेकर है, अप्पे जो बनाते हैं ना उसमें मैं इसको डाल दूँगी, और इससे क्या हो जाएगा कि ये नीचे से बिल्कुल राउंड सा ही रहेगा। तो पहला तरीका तो ये है, इस तरीके से आप अगर कोई जुगाड़ लगा सकते हैं तो इस तरीके से लगा लीजिए। दूसरा क्या तरीका है कि थोड़ा और ठंडा होने दीजिए, और ये देखिए इस तरीके से मैंने एक डो लिया और इसको जैसे मर्जी आप बनाइए, ये कहीं भी रखिए, किसी प्लेट में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक दो बार जैसे ही आप बना लेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट आइडिया हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे जो लड्डू है वो बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर ड्राई थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा रखा हुआ है, और इस बुरादा में मैं इस नारियल को कोट कर देने वाली हूँ। इससे थोड़ा बहुत टेस्ट भी बढ़ जाता है और लुक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। तो इस तरीके से लगा लीजिए, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट भी, ये लड्डू का बहुत अच्छा टेस्ट होता है तो वैसे भी खा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पे सारे में लगा ली हूँ, और ये देखिए ये हमारा नारियल का लड्डू बन के बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें स्टफिंग भी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की, या ऊपर से भी थोड़ा जो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स आप डाल के खा सकते हैं। तो इसको ज़रूर बनाइए। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और बहुत ही फटाफट बनने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।